सॉल्व साइन एक्स इक्वल टू 3/2। साइन एक्स बराबर 3/2 में हमें एक्स का मान निकालना है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ दे देता कि साइन एक्स इक्वल टू √3/2, इसका मान कितना, थीटा के किस मान पर, यहाँ पे थीटा एक्स है, एक्स के किस मान पर साइन का मान √3/2 होता है, एक्स के किस मान पर साइन का मान √3/2 होता है, तो एक्स के 60 डिग्री मान पर, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, देखिए साइन फंक्शन का रेंज जो होता है, साइन फंक्शन का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है। या आप साइन फंक्शन में थीटा की जगह 45 रखिए, 60 रखिए, 90 रखिए, 45.5 रखिए, 60 डिग्री रखिए, 90 रखिए, 180 रखिए, 120 रखिए, जितना भी आप थीटा की जगह रखेंगे साइन का जो मान होगा -1 से लेकर 1 तक ही होगा, यानी -1 भी हो सकता है और या तो फिर -1 और 1 के बीच का होगा। 1 से बड़ा कभी मान नहीं होगा साइन का, साइन फंक्शन का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होगा और -1 से छोटा कभी नहीं होगा। यहाँ देखिए 3/2 का मतलब 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 3/2 का मतलब 1.5, यानी डेढ़ आ गया, डेढ़। हम क्या जानते हैं कि साइन का जो मान होता है -1 से लेकर 1 तक ही होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। यहाँ जो साइन का मान 3/2 दिया है, ये 3/2 एक्चुअली में 1.5 यानी डेढ़ है, तो साइन का मान कभी भी 1 से तो बड़ा होता ही नहीं है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डेढ़ दिया हुआ है, इसलिए यह इक्वेशन जो दिए हैं साइन एक्स इक्वल टू 3/2 यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि थीटा के किसी भी मान पर साइन का मान 3/2 यानी डेढ़ होता ही नहीं है, साइन का मान हमेशा -1 या 1 के बीच 1 तक ही होगा, -1 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, -1 से छोटा कभी नहीं होगा साइन का मान, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। यहाँ 3/2 डेढ़ है, इसलिए यह इक्वेशन संभव नहीं है। लिखेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, यह समीकरण संभव नहीं है, क्योंकि थीटा के किसी भी मान पर साइन का मान 3/2 नहीं होता है, इसलिए एक्स बराबर नो सॉल्यूशन, एक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स का कोई मान नहीं होगा, इसलिए यही आंसर।